आज 37 नेशनल गेम का समापन हो रहा है। 20 अक्टूबर से शुरू हुई इस भारतीय खेल जगत के सबसे बड़े प्रतियोगिता का गोवा में आयोजन हुआ है। ये आज ही एक सपना सा लगता है। नेशनल गेम्स एक गोवा का सबसे खूबसूरत सपना था। आज बहुत खुशी हो रही है कि ये सपना आज पूरे होने जा रहा है। गोवा सरकार, गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खेल मंत्री श्री गोविंद गावड़े जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने अच्छी तरह से इस नेशनल गेम का सब कुछ अपने हाथ में लेके आज आखिरी हम इसके समापन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। छोटे से गोवा में इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन करना ये आसान बात नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पैसों की भी बहुत आवश्यकता थी। इससे बढ़कर आत्मविश्वास की, इच्छा शक्ति की जरूरत थी। और मैं कहना चाहता हूं कि गोवा सब कसौटी पर खरा उतरा है, कामयाब रहा है। इस सफल आयोजन के साथ गोवा ने नेशनल गेम्स के आयोजन का बेंचमार्क इतना बड़ा है बढ़ाया है कि आने वाले आयोजकों को निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती बस बनी रहेगी। आयोजन के इस साथ साथ मैदान में भी गोवा ने जो इतिहास रचा है वो केवल अविश्वसनीय है। 27 गोल्ड मेडल, इसके साथ साथ कुल मिलाकर एक 91 मेडल्स भी जीत कर हमें भी दम है, ये गोवा के खिलाड़ियों ने साबित कर लिया है। इसके लिए मैं गोवा के सब स्टेट एसोसिएशन और मेरे प्यारे खिलाड़ी मित्रों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बीते 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने अन्य क्षेत्रों में साथ साथ खेल क्षेत्र में भी प्रगति की बड़ी छलांग लगाई है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, खेल जगत में देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी नहीं देखा था कि देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। आज देश के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान बढ़ा है, तो उन्हीं के कारण है, यह मैं कहना चाहता हूँ। मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। उन्होंने गेम से उद्घाटन के कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सबका हौसला बढ़ा लिया। हम कर सकते हैं इसका एहसास निश्चित तौर से दिलाया। उनका मार्गदर्शन सबके लिए प्रेरणादायी था। हमको कामयाब बनना है, इस विचार से सब प्रेरित हुए और आज हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन का सुगत परिणाम दिखने को मिल रहा है। 2036 में होने वाले ओलंपिक आयोजन की दावेदारी भारत ने की है, उस दिशा में हम सबको काम करना है, खेल का दर्जा और बढ़ाना है। निश्चित रूप से हमारी खेल के क्षेत्र में ताकत बड़ी है। अब हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स मेडल है, ये हमारे खिलाड़ियों ने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं सबको बधाई देता हूँ और मेरे विचार यहीं समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद।